चॉपर क्रैश में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। पायलट समेत 7 लोग मारे गए हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। अब से कुछ ही देर पहले ये निजी हेलीकॉप्टर सेवा जिसमें ये क्रैश हुआ है उससे उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ, शुरुआती जांच में यह पाया गया है। शुरुआती जांच में यह भी पाया गया कि खराब मौसम की वजह से यह क्रैश हुआ है। एक निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था जिसमें 7 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट के बाद हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए हैं, उसमें अब आप आग और धुआं देख सकते हैं। दूर दराज के लोग अब यहां पर पहुंच तो गए हैं लेकिन अभी तक ये फिलहाल पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर जो यात्री लेकर उड़ा था ये गुप्तकाशी में क्रैश सिर्फ और सिर्फ खराब मौसम की वजह से हुआ है या फिर तकनीकी खराबी के चलते। लेकिन गुप्तकाशी जाते वक्त यह हादसा हुआ है। डीजीसी ने अब इस बात की पुख्ता जानकारी दे दी है और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेद व्यक्त किया है। अरविंद ओझा ने वहां के डीजीपी से फोन पर बातचीत की है, उस बातचीत के अंश आपको। अरविंद, आपकी क्या बातचीत हुई है वहां के डीजीपी से? जी देखिए, जब ये हादसा हुआ है तो जो एसडीआरएफ की टीम है वो तुरंत मौके पर पहुंची हुई है। उत्तराखंड पुलिस की ये टीम है एसडीआरएफ की और वहां तफ्तीश में फिलहाल शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पता चला है कि जब केदारनाथ से फाटा की तरफ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था तो उस जो जिस घाटी से गुजर रहा था वहां पर काफी फॉग था और फॉग की वजह से, खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है। केदारनाथ की विधायक शैला रानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। शैला जी, इस पूरे हादसे के बारे में क्या प्राथमिक जानकारी मिल रही है? कितने लोग सवार थे, किस वजह से हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है? ये बहुत दर्दनाक हादसा है और इस पूरी यात्रा में हमारी यात्रा बहुत निर्विघ्न रूप से चल रही थी लेकिन ये पता चला है कि मैंने आर्यन कंपनी से भी पूछा है कि ये वहाँ पे फॉग आ गया था और अचानक मौसम अप और डाउन हो रहा है और 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पायलट भी की भी मौत हो गई है और 3 यात्री गुजरात से बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वहाँ पे M17 भी हमारा वहीं पे क्रैश हुआ गरुड़ चट्टी के ऊपर, ट्रांस भारत का हेलीकॉप्टर भी, और ये तीसरा हादसा है। वहाँ पे कुछ इस तरह से है, दोनों तरफ पहाड़ हैं और हेलीकॉप्टर मुड़ता है और वहाँ पे थोड़ा डर भी लगती है जब अच्छा मौसम भी होता है। तो बता रहे हैं कि वहाँ पे फॉग आया और ये क्रैश हो गया जो हमारे लिए बहुत दुखद है और आर्यन बहुत अच्छी सेवा दे रहा था लेकिन क्या करें। मैम, 6 लोग के मारे जाने की पुष्टि हुई या फिर 7, क्योंकि पायलट समेत 7 लोग मारे जाने की खबर आ रही है अभी? हाँ, अभी तो बता रहे हैं, पहले 4 आई फिर 6, अब 7 की हो गई है और 3 लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं। ये जो आर्यन प्राइवेट सर्विस वहां पर चल रही थी इससे पहले भी किसी तरह के हादसे इससे जुड़े रहे हैं या फिर ये पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, वहाँ पे उस स्पॉट पे आपदा के टाइम पे M17 गया, वो क्रैश हुआ, 15-16 लोग मारे। ठीक उसी पॉइंट पे ट्रांस भारत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अभी आर्यन का हुआ और आज तो मौसम ही थोड़ा सा खराब था और बहुत प्रेशर है यात्रा का, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैम, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी सेवाएं अभी भी चल रही हैं या फिर खराब मौसम के चलते उन्हें रोक दिया गया है? नहीं, वो तो देखते हैं 1 घंटे में, अगर बंद मौसम ठीक है तो खोल देते हैं फिर बंद कर देते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए तो बंद ही क्या होगा और रेस्क्यू भी जारी है, पूरा प्रशासन हमारा लगा है। आपको कब और कितने बजे इस बारे में सूचना मिली? मुझे अभी आधा पौन घंटा पहले मिली सूचना। और अभी वहां पर आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्या जो अंदर बॉडीज हैं उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या फिर नहीं? वो शुरू कर रहे हैं प्रक्रिया और काफी उसमें ऊपर पहले उसमें दिखाया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में आग लगी। कहाँ के हैं ये लोग, इनकी पहचान हो पाई है, शिनाख्त हो पाई ये है? अभी 3 गुजरात के बताए जा रहे हैं, बाकी पायलट मुंबई के बताए जा रहे हैं और बाकी का पता नहीं चल पा रहा है। नाम पता कोई डिटेल्स मालूम चले? ना, अभी कुछ नहीं है, अभी फिर बताऊंगी ना। ठीक है शैला जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।